सर्दियों के मौसम में ना जो ये फ्रेश हरी हरी ताजी ताजी मटर मिलती है ना, इसके टेस्ट की तो स्वाद की बात ही कुछ और होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे सर्दियों का ही एक बिल्कुल लाजवाब नाश्ता, आलू मटर की घुघरी और साथ में गर्मा गर्म पूरियां, जिन्हें हम दही के साथ सर्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, कुकिंग विद दीप्ति में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आजकल हम विंटर स्पेशल रेसिपीज बना रहे हैं, जो कि विंटर का मौसम चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे विंटर का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब नाश्ता, आलू मटर की घुघरी और साथ में पूरियां। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हरे मटर की घुघरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप्ड करके ले लिया है। 3-4 हरी मिर्ची ली है और 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप्ड करके ले लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट के ले लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को देखे लिए हैं, इस तरह से ब्लॉक ब्लॉक में कट करके हम ले लेंगे। और फिर हमने यहाँ पर देखिए ये 1 किलो मटर को मैंने अच्छी तरह से छील के साफ करके ले लिया है। तो आलू मटर की घुघरी बनाने के लिए बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में घुघरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इन सरसों के तेल को अच्छी तरह पैन में फैला देंगे और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे तब इनमें हम तड़के के लिए सबसे पहले 1 चम्मच क्यूमिन जीरा डालेंगे। और जब हमारा जीरा अच्छी तरह से चटकने लगेगा तब हम इसमें सबसे पहले जो हमने ये बारीक कट करके लहसुन की कलियाँ ली हैं ना, वो डालेंगे। पहले हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे, जब हमारी लहसुन की कलियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें बारीक कटे हुए अदरक डालेंगे और बारीक कटी हुई मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची चॉप्ड करके ली हुई है। फिर एकदम लास्ट में हमने ये जो मीडियम साइज़ के 2 प्याज को बारीक चॉप्ड करके लिया है ना, वो इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब हमारे प्याज अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे तब हम इनमें ये जो हमने आलू लिए हुए ना ब्लॉक्स में कट करके, वो ऐड करेंगे और आलू को भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। बहुत ज़्यादा हमें आलू को नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है कि आलू के ऊपर हल्की सी एक लेयर आ जाए, जिससे कि आलू का टेस्ट घुघरी में बहुत ही अच्छा आएगा। बस हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं हल्के से। और फिर हमने ये जो मटर ली हुई है, यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर को लेकर के उनको छील के उनके मटर का यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे और स्टार्टिंग में ही देखिए हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे और फिर कवर करके ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट तक ही पकाएंगे। फ्रेश मटर है, बहुत जल्दी से गल जाएगी और नए आलू हैं वो भी बहुत जल्दी से पक जाते हैं। बीच बीच में देखिए इन्हें हम इस तरह से चलाते रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बीच बीच में इन्हें हम चलाते रहेंगे। फ्रेश हरी मटर है, ये खुद से पानी रिलीज़ करेगी और उसी पानी में ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, आलू भी और मटर भी। देखिए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और हमारी घुघरी बनके रेडी हो गई है, मटर भी सॉफ्ट हो गई है और आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। आइए इन्हें साइड में कर देते हैं और चलते हैं पूरियां बनाने के लिए। हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है और ये देखिए हमने पूरियाँ भी बेल करके ले ली हैं और इन्हें हमने फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम इनमें पूरियों को फ्राई कर लेंगे। एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए इस तरह से हम पूरियों को तल लेंगे और पूरियाँ ले लेंगे। ये आलू मटर की घुघरी का टेस्ट गर्मा गर्म पूरियों के साथ तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। ये सर्दियों का खास नाश्ता होता है जो अमूमन सभी घरों में बनाया जाता है, तो आप भी इस नाश्ते को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। बस हमारी पूरियां रेडी हो गई हैं, देखिए हम पूरियों को ले लेंगे और हमारी घुघरी भी बिल्कुल रेडी है। एक बाउल में हमने घुघरी भी ले ली है और साथ में इसके दही लेंगे, दही के साथ इसे हम सर्व करेंगे।
बस हमारा सर्दियों का स्पेशल नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस बार सर्दियों में आप भी ज़रूर बनाइएगा ऐसे आलू मटर की घुघरी और अपने फीडबैक मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।